पिछले लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने ज्ञात किया कि नाभिक कहाँ होता है और उसकी पोजीशन क्या होती है। उसके अंदर सारा पॉजिटिव कहा गया वो नाभिक के अंदर होता है और तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालाँकि वो ये बताने में ऐसा बस रहा कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर किस प्रकार लगा पाते हैं, ठीक है। फिर उसने हमने एक रदरफोर्ड स्केटिंग फार्मूला ड्राइव किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और सीधा सीधा उस पर डेरिवेशन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नाभिकीय गुण, नाभिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नाभिक की प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ेंगे उसका द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, त्रिज्या, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, पैरिटी, संभारिकता, इस प्रकार के कई न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। नंबर एक से शुरुआत करते हैं द्रव्यमान। इसको हम ए से शो करते हैं, इसका सिंबल हम ए मानते हैं और नाभिक का द्रव्यमान है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, यानी कि ए बराबर पी प्लस एन। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल भार है वो उसके द्रव्यमान के बराबर है। अब मान लीजिए नाभिक का द्रव्यमान नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको कैसे निकालते हैं कि 1 mu amu बराबर कार्बन 12 का द्रव्यमान और अपॉन 12 1 amu के बराबर होता है और इसकी तुलना में ही हम बाकी परमाणुओं के नाभिकों का द्रव्यमान निकालते हैं। एक मोल द्रव्यमान बराबर 12 का द्रव्यमान कितना आएगा, 12 ए एम यू और एक मोल कार्बन 12 द्रव्यमान बराबर एन ए इंटू 12 ए एम यू। एन ए यहाँ अवोगाड्रो संख्या है, जिसका मान अवोगाड्रो संख्या आपने सुना होगा, जिसका मान 6.02×10⁶ होता, ठीक है। अब हम एक मोल
वो एनर्जी को हम बाहर निकालें। अगला जो हमारा परमाणु गुण है वो है नंबर टू का नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश से सिमिलाइज करते हैं और यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स के बराबर कुल आवेश कितना होगा इसका? प्रोटॉन्स का नंबर पूरा। ठीक है, तो नाभिक के में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसका नाभिकीय आवेश कहलाता है, या कुल आवेश बराबर जेड। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, अगला जो नाभिकीय गुण है वो है त्रिज्य, नंबर तीन पर त्रिज्य। मान लीजिए नाभिक का कितना होगा? 3 pi r। अब नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो कितने होंगे? पी प्लस एन बराबर ए। कितने? यानी उसके एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं उसमें? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की त्रिज्या आर जीरो हो तो इन सब का एक का आयतन कितना होगा? एक प्रोटॉन का आयतन 4/3 pi r और कुल आयतन सबका, ये एक का आयतन, सबका आयतन कितना होगा? 4/3 pi r। अब ये नाभिक का आयतन है, ये नाभिक में उपस्थित कणों का आयतन है, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। भाई नाभिक इनसे ही तो मिलकर बना हुआ है, तो इनका जो टोटल आयतन है वो इसके बराबर होगा। ये कट गया, पाई से पाई कट गया, आर थ्री बराबर आर जीरो ए
और आर बराबर आर जीरो वन की पावर वन बाई टू। तो हमारे पास नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला निकल के आया यानी कि नाभिक की त्रिज्या में क्या गुण होता है आर प्रोपोर्शनल टू वन बाई थ्री या आर प्रोपोर्शनल टू यानी कि उसकी त्रिज्या उसके एटॉमिक नंबर के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। आगे सुन, अब यहाँ से आर जीरो का मान एक कांस्टेंट होता है जिसका मान हम आर जीरो बराबर 1.2 से 1.3 के बीच में कैलकुलेशन में लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है। अब हम तुलना करते हैं कि नाभिक की त्रिज्या और नाभिक के आकार में क्या रिलेशन होता है। आप एक कैलकुलेशन करके देखिए कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10^-5 मीटर की रेंज की होती है और परमाणु की त्रिज्या 10^ इस रेंज की होती है। ये नाभिक की होती है, ये परमाणु की होती है और इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो नाभिक का आकार इस रेशियो में आता है जैसे किसी एक ग्राउंड के अंदर बैठी हुई मक्खी के बराबर, यानी कि बहुत छोटी मात्रा में परमाणु के अंदर नाभिक स्थित होता है। अगला जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है उसका नाम है कोणीय संवेग। नाभिक के अंदर जो हमारे नाभिकीय कण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये तीन प्रकार से चक्कर लगाते हैं, दो प्रकार से लगाते हैं जैसे ये इनका, तो एक तो ये जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एक स्पिन के रूप में अपने कक्ष पर ऐसे ऐसे भी घूमते हैं और ऐसे भी ये गति करते हैं। तो इनकी गति के कारण इसमें कोणीय संवेग उत्पन्न होता है जिसे हम जैसे सिंबलाइज करते हैं और जे का मान क्वांटम
जे का मान एक पॉइंट का के रूप में रहता है, जिसे हम जे इंटू जे प्लस वन एच क्रॉस की मान निरपेक्ष मान इसका आता है, इसका एब्सोल्यूट मान इतना आता है। हर जे का मान हम अब जे जो कोणीय संवेग है ये अनिश्चितता का सिद्धांत ये सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि इसका एक समय में स्थिति और दिशा ज्ञात करना नामुमकिन है। स्थिति और दिशा ज्ञात करना असंभव है, ठीक है। अब तो हम इसका एक जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट लेते हैं, जिसे हम जे जेड कहते हैं, और जे जेड का मान एम एच के बराबर आता है, और एम एच की वैल्यू कितनी आएगी, टू जे प्लस वन, जो इसकी वैल्यू माइनस जे से लेकर प्लस जे के बीच में आती है, माइनस जे से लेकर माइनस जे कॉमा माइनस जे प्लस वन, जे माइनस जे प्लस टू, इस प्रकार जे माइनस वन और जे। इसका मैक्सिमम मान जो आता है वो जे जेड मैक्सिमम मान इसका जो आता है वो आएगा जे एच क्रॉस, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका एंगुलर, और स्पिन का मान, स्पिन का मान होता है वन बाई टू, तो एस बराबर एस प्लस वन एस एच क्रॉस, तो एस का मान आएगा स्पिन मोमेंटम का वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू बराबर अंडर तीन बटे को एच क्रॉस, ये स्पिन मोमेंटम का मान आता है, ठीक है। अब जब यहां से हम एंगुलर मोमेंटम को जान चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसे ज्ञात करते हैं, यदि किसी नाभिक के अंदर, यदि किसी नाभिक के अंदर नाभिक में एन पी ये भी सम हो, ये भी सम हो, तो कोणीय संवेग जे बराबर जीरो, ठीक है। जब ये सम हो, ये विषम हो, या ये विषम हो और ये सम हो, ऐसी स्थिति में वन बाई टू, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू, सेवन बाई टू, इस प्रकार आता है, ठीक है। और जब ये दोनों विषम हो, तो इस स्थिति में जे का मान एक दो तीन चार पांच आता है। तो आप ये देख लीजिए किस नाभिक में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो आप उसका तुरंत से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है पैरिटी। अगली जो नाभिकीय प्रॉपर्टी है वो है पैरिटी। तो आप निकाल लोगे यहाँ से कोणीय संवेग, यदि दोनों सम है तो हमेशा आप देख लेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए ओ सिक्सटीन सेवन, तो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन P
पी बराबर 7 और एन बराबर 16 माइनस 7 यानी कि 9, दोनों 9 9 है, यानी कि ये भी सम है, ये भी ये विषम है, ये भी विषम है, तो इस ये ठीक है। अब इसकी एक और नाभिकीय प्रॉपर्टी रहती है, तो वह हर्मिटियन यूनिफॉर्म जल्दी से कर देते हैं। किसी नाभिक किसी भी फंक्शन की हम पैरिटी जब निकालते हैं, यानी ये फंक्शन है हमारा फाई एक्स वाई जेड, और हमने यहाँ एक्स वाई जेड की जगह माइनस एक्स वाई की जगह माइनस वाई तथा जेड की जगह माइनस जेड प्रतिस्थापित करें, तो जो फंक्शन का मान है वो बदल जाता है, यानी वो कैसा जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो इस अवस्था को हम कहेंगे विषम पैरिटी, और यदि सेम आता है यानी कि फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू फाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड समान आता है, तो इस तरह की अवस्था को सम पैरिटी, यानी कि उसके उसके चरों को उसके वेरिएबल्स को का साइन बदलने पर यदि उसका साइन बदलता है तो वो विषम पैरिटी है, यदि साइन नहीं बदलता है तो वो सम पैरिटी। यदि हम पैरिटी को एक ऑपरेटर के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए पी एक ऑपरेटर है और इसको फाई पर अप्लाई किया गया है, तो हमारा आंसर आना चाहिए स्मॉल पी फाई। यदि स्मॉल पी 1 है तो ये सम पैरिटी आएगी, स्मॉल पी माइनस 1 है तो ये विषम पैरिटी आएगी, ठीक है। अब नाभिकीय उसमें भी हम इसी प्रकार पैरिटी निकालते हैं, पैरिटी नाभ के उसमें गुणों के माइनस 1 अपॉन एल की पावर एल से पैरिटी को निकालते हैं। नाभिकीय कण जो नाभिकीय कण है, यदि सभी नाभिकों के जो हम उसका अभिविन्यास निकालते हैं, तो जैसे जिस कक्षीय क्वांटम संख्या में उसका अभिविन्यास आता है, तो उसी हिसाब से उन नाभिकीय कणों का पैरिटी निकलती है। उसमें एन है तो एन उसमें आएंगे क्वांटम नंबर में आएंगे, अच्छे एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर ऑर्बिटल में आएंगे, तो उनका सबका इस प्रकार निकालते हैं। इसका सीधा एक आसान तरीका है कि कोई भी अयुग्मित नाभिकीय कण यदि एस
आटा को पैरिटी प्लस वन यानी कि सम, यदि कोई अयुग्मित उसका अभिविन्यास जैसे निकालते हम SDG में आता है तो उसकी पैरिटी कैसी आएगी, सम आएगी। और यदि PH में आता तो P बराबर माइनस वन यानी कि पैरिटी कैसी होगी, विषम। ठीक है, अब इसकी एक अंतिम न्यूक्लियर प्रॉपर्टी बची है वो है संभारिकता। संभारिकता देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम जब स्टडी करते हैं उनको देखते हैं तो वो एक जैसे दिखाई देते हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं दिखाई नहीं देता, उनका आकार, उनका बिहेवियर, उनका मास, उनका कक्ष में गति करने का तरीका, एंगुलर मोमेंटम, उनकी पैरिटी, सब जो और दूसरे क्वांटम नंबर्स सेम प्राप्त होते हैं। तो उनमें अंतर करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक संभाव्यता का अलग से एक क्वांटम नंबर दिया जिसे आई से सिंबलाइज किया गया, और उसमें प्रोटॉन के लिए प्लस वन बाई टू दिया और न्यूट्रॉन के लिए माइनस वन बाई टू। इनके द्वारा उनको अलग अलग पहचान देने के लिए एक नई क्वांटम नंबर दी गई जिसे संभारिकता आई कहा गया, और प्रोटॉन के लिए उसे वन बाई टू दिया और न्यूट्रॉन के लिए माइनस वन बाई टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, और जब इनको स्टडी करते हैं तो इनको पहचानने में व्यवहार तो बिहेवियर है वो एक जैसा आता है। ठीक है, तो आई का मान इनका वन बाई टू दिया गया और ये जो मान दिए गए वो जेड डायरेक्शन में क्वांटम नंबर दिए गए, तो ये इसका प्रोटॉन के लिए और ये न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहां तक हमारा एक प्रॉपर्टीज जो है खत्म हुई, मिले आपको अच्छे समझ में आएगी। आगे हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी।